दिल्ली में जा रही है परिणीति चोपड़ा की एनिमल, इसके बारे में क्या खुलासा किया परिणीति ने, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। वर्सेटाइल बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को लगता है कि इस महामारी ने भारत में कंटेंट का लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। उनकी राय है कि ऑडियंस केवल नए और तरोताजा जो सब्जेक्ट है उन्हें देखना चाहती है, दर्शक हर घिसे पिटे सब्जेक्ट को खारिज करती है। परी का साफ तौर पर कहना है कि ये कंटेंट का ज़माना है और हम कमज़ोर कंटेंट को ऑडियंस तक नहीं पहुंचा सकते। अब वो नकार देती है क्योंकि आज दुनिया भर में तैयार होने वाले क्लटर ब्रेकिंग कंटेंट है और जो लोगों के पास ऑप्शन के तौर पर बन गए हैं। हम अब कुछ भी ऐसा पेश नहीं कर सकते जो बोरिंग हो या एवरेज हो। वो आगे बताती है कि मैंने दमदार कंटेंट वाले प्रोजेक्ट्स का रुख ये देख कर कर लिया है कि मेरे आसपास का हर व्यक्ति, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, सिर्फ वही फिल्में या शो देख रहा है जो लैंडमार्क है, तो कोई एवरेज किस्म की चीज़ें क्यों देखेगा। परी को लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये सबसे बड़ा सबक होना चाहिए। वो खुलासा करती है कि उन्होंने केवल ऐसी स्क्रिप्ट चुनी है जो बेहद दमदार है, जिनमें एनिमल भी शामिल है, और इस फिल्म में रणबीर कपूर होने वाले उनके अपोजिट, साथ ही इसमें अनिल कपूर होंगे। ऑलरेडी एक टीजर रिलीज कर दिया गया है। वहीं परी का सुझाव है कि हमारी इंडस्ट्री को इस महामारी से ये सीख और एहसास हासिल करना होगा, लैंडस्केप हमेशा के लिए तब्दील हो चुका है, हमें ब्रेथ टेकिंग सिनेमा पेश करना होगा। महामारी ने दर्शकों का जायका बदल कर रख दिया है और हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि ऑडियंस को आखिरकार चाहिए क्या। अपनी बात को समाप्त करते हुए परी कहती है कि एनिमल समेत मेरी सभी आगामी फिल्मों के सब्जेक्ट दमदार होने वाले हैं, दर्शकों के लिए अनूठे और नए होने वाले हैं, और ऑडियंस इन्हें देखेगी और बेहद पसंद भी करेगी। मैं सिर्फ उन्हीं स्क्रिप्ट की तलाश में हूँ जिनमें ऑडियंस को खुशी देने के लिए कोई नया कंटेंट मौजूद। और बहुत सही बात भी परी ने कही, क्योंकि इस वक्त OTT से लेकर YouTube से लेकर हर जगह कंटेंट की भरमार है, तो कोई क्यों कमज़ोर कंटेंट देखेगा। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है, कितना इंतजार है एनिमल का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।